24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की इस स्पेशल चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। मैं अभी घोसी में हूं और घोसी लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं। आज मैं दलित मतदाताओं से बात करूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। दलित वोटर इस बार किसको अपना समर्थन देंगे? क्या वो बसपा के बालकृष्ण चौहान के साथ होंगे या भाजपा एनडीए गठबंधन की ओर से जो अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं उनको इनका जो है दलित मतदाताओं का वोट जाएगा, या फिर सपा या कहें इंडिया गठबंधन की ओर से राजीव राय को इनको उनके प्रति इनका जो है वो रुझान रहेगा? यही जानने और समझने के लिए मैं इन लोगों से बात करूंगा। कविता, कविता नाम है। यही ये जो दलित बस्ती है कोरिया पार की, यही घर है? हाँ हाँ, यही जाना। हम लोग चुनाव को लेकर घूम रहे थे और बात कर रहे थे कि अभी आप ये सब तो शायद न बता पाए कि है ना, कौन जीत रहा है, क्या माहौल है, क्या कुछ बातें सुनने में आ रही हैं? माहौल का अमन के माला की घर दुआ ना तो आवास सरकार इकट्ठे देता ना, वहाँ की इकट्ठे अमन का आवास का घर बन जा, ठेकान बन जा, ये तो अमन का सोचा था कि इकट्ठे आवास मिल जा। आवास नहीं मिला, लैट्रिन शौचालय बना घर? हाँ, शौचालय बनल है। और राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलेगा, वो 5 किलो काट लेता वहाँ। है 5 किलो काट ले? हाँ, 5 किलो काट लेना। 25 एक आदमी के लिए 5 किलो मिलता है ना? हाँ, तो उसमें से 30 किलो में से 5 किलो कट जाला, 25 किलो राशन मिलेला। ये तो मिला था मन। ये समस्या आप लोग के साथ भी है क्या, राशन वाली कम मिलता है राशन? सब राशन वाली। राशन तो भैया मान के 3 आदमी हैं या 15 किलो मिलेला लाइका। आपको मिल रहा है, आपको पूरा, आप कुछ कहेंगी राशन वाली बात? मुझे कह रही थी कि पूरा मिलता है या नहीं मिलता है। हमन के मिलेला 6 आदमी के 30 किलो, 6 आदमी का 30 किलो, ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि आप लोग किसको वोट देते रही हैं, मायावती बसपा का जो हाथी निशान है उस पे, या भाजपा का कमल निशान, या अखिलेश के साइकिल पे, किसको आप लोग वोट देते रहे हैं और इस बार क्या मन में रहेगा? मायावती के बा, मायावती को अपन बाड़ी तो नहीं कन करे पड़ी। कमल पे भी आप लोगों ने वोट दिया किसी ने? साइकिल निशान पे पिछली बार आपने दिया था, ये जो साइकिल पे आप लोगों ने दिया था, इस बार क्या मन में चल रहा है, कुछ बताइए इस बार भी। आप लाइकन कन बताइए। हाँ, सरकार मायावती को दिया जाएगा। सरकार का जो काम है, मोदी हैं प्रधानमंत्री, केंद्र में पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? ना, ये पेंशन से ना हमके मिलेला भैया, पेंशन हमके मिले बना कहीं आज तक ले ना पेंशन मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला? नहीं, हमार मर्द मर गला ना मिलेला भैया। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है ना? गांव के प्रधान से आपने कहा तो क्या कर, कुछ कहला के हो जाए हो जाए। तो इस बार आप वोट देंगी तो क्या रहेगा दिमाग में, क्या सोच के कि? अब दिमाग में यह सोचे के आ जे हमार जे हमके करी होई के देब, एको ना कॉलोनी मिल लिया ना, एगो हाउजन कचका लाइट रूम बनेला वो ना, ना पिंसिन कुछ तो ना मिलल। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तब ठीक था? कुछ ना मिलल, अपन ही के बनावली मायावती के, दूसरे के बताओ थे, बाकी देवे के तो बाने जे ही बनाए भैया वही के दे। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम महेश भारती है। चुनाव में क्या लग रहा है अभी? चुनाव का मतलब, चुनाव तो यहाँ भाजपा जीतेगी क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं, अनुसूचित मोर्चा के महेश भारती। अच्छा, आप भाजपा के कार्यकर्ता भी? जी। तो यहाँ पे जो भाजपा काम की है ना, जो राशन का है और आयुष्मान कार्ड है, बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। हाँ, और हमेशा सुविधाएँ मिलती रहती हैं। अब आदमी पढ़ने लिखने वाला जो पढ़ लिख रहा है तो उसको तो नौकरी मिल ही रही है, जो नहीं पढ़ेगा तो क्या नौकरी पाएगा बताइए। नहीं, नौकरी का आपने मुद्दा उठाया और इसी बात को लेके ज़्यादा सरकार को घेरा जा रहा है कि सरकारी भर्तियां नहीं आ रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी तो पेपर लीक हो गया, फिर शिक्षक भर्ती का लोग मुद्दा उठाते हैं। तो अब लीक होने के बाद, लीक हो गया तो भाई निरस्त भी हो गया ना। हाँ, तो फिर बाद में होगा पेपर, पेपर होगा तो फिर अपना लोग अपना नौकरी पाएंगे। और नौकरी के बोले जो पढ़ाई नहीं करेगा और नहीं कर पाएगा तो सबको नौकरी कहाँ से मिलेगी बताइए, जो पढ़ रहे हैं उसको तो नौकरी मिल ही रही है। तो आपके हिसाब से सरकार ने रोजगार के मामले में भी अच्छा काम किया है? अच्छा काम किया रोजगार के मामले, ये बताइए कि आदमी निडर होकर चल रहा है रोड पर,
अब पहले तो और सरकार थी तो कम बताइए, कहीं वहाँ पर चुनौती हो रही थी, कहीं वहाँ पर होते गुंडागर्दी हो रही थी, इस सरकार में गुंडागर्दी हो रही है? हाँ, सभी लोग सुरक्षित है, बहन बेटी सारे लोग सुरक्षित, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जब मर्जी जाना चाहते हैं जा कर आती हैं, सब लड़कियाँ आती जाती हैं, नहीं तो हमेशा गुंडागर्दी हो तो रही थी, अब कहाँ हो रही बताइए। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले? कानून व्यवस्था भी बेहतर है हमारे लिए, तो हमारे समझ से बहुत बेहतर है। हाँ, महंगाई को आप समस्या मानते हैं कि नहीं? महंगाई के समस्या मांग तो महंगाई के साथ साथ जो है हर चीज़ बढ़ाना है, मजदूरी भी बढ़ी, हर चीज़ तो बढ़ रहा है, महंगाई महंगाई बढ़ी तो मजदूरी तो भी बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ तो महंगाई क्या है बताइए, हर चीज़ मिला कौन नहीं का? ये बताइए महंगाई से कौन मार खा रहा है बताइए, हर व्यवस्था तो आदमी को खा नहीं रहा है। हाँ, अरे महंगा तभी किन का खा रहा है, और सस्ता रहेगा तभी किन का, सस्ता रहेगा तो मजदूरी सस्ती रहेगी, जिस तरह महंगाई हो रही तो मजदूरी तो बढ़ रहा है। अभी योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? राशन मिलता है ना? राशन, हाँ राशन मिल रहा था। और घर पे शौचालय बना है, लैट्रिन बना है? नहीं, मन के ना बना, नहीं ना बना ला। तो यही सब आपकी शिकायतें हैं सरकार से, घर नहीं मिला है, शौचालय, और पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ, पेंशन मिल रहा था। और घर पे क्या करते हैं लोग, आपके पति क्या करते हैं, बच्चे क्या? ना लड़का मोटा छोटा काम करता है। महंगाई लगती है, कैसे खर्च चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है? अब महंगाई के बा, कमाए के बा, खाए के बा, दूसर कौन बा, मोटा छोटा काम करे के बा, अपन घर पेट जियावे के बा, और क्या करे के, अभी जो कमाई रहा घर द्वार ना बन। हमारी दुकान बंद हो गई, हम बेरोजगार हो गए हैं। दुकान क्यों बंद हो गई? वही मतलब कि सामान वामान नहीं था, उधार लेके चले जाते थे, सब दुकान वकान बंद हो गई है। कोई पार्टी वाला आएगा हमारी दुकान मतलब खुलवाएगा तो हम उसी को और देंगे, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, हमारा मतलब सहयोग करें आकर, हम बेरोजगार। किस चीज़ की दुकान थी? किराने की दुकान थी, किराने की। हम बेरोजगार हो गए हैं, दुकान बंद हो गई, लोगों ने उधार ज़्यादा ले लिया, पैसा नहीं चुकाया, पैसा नहीं चुकाया, हमारी दुकान बंद हो गई, बेरोजगार हो गए हैं। अभी कुछ पैसे नहीं है कि दूसरा रोजगार शुरू कर सके? हमारे पास पैसा नहीं है, हम मोदी जी से यही बोल रहे हैं कुछ हमारा सहयोग करें ताकि हम फिर दुकान करें अपना, और चार बच्चे भी हैं। हाँ, दुकान वकान सब बंद हो गई है, कोई भी पार्टी मतलब आएगी वोट मांगेगी हम वोट दे देंगे, मगर सहयोग तो करें, आवास दें, हमारा घर नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर भी जाने के लिए पैसा नहीं है, योगी मोगी मतलब सहयोग करें। चुनाव को आप लोग किसको वोट देते रहे, किस निशान पे देते रहे? हम तो दे ला जा मोदी के कमल निशान पे। हाँ, इस बार भी आ? इस बार भी मोदी को ही वोट देना। हाँ ठीक है। नहीं, मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बस राय जान रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, मोदी सरकार का काम बढ़िया रहा है? वो तो अपन बढ़िया करता हूँ, तो बीचे में ना ना तनी जांच करत हम कि तनी प्रधान के चाप चढ़ाई जांच करें कि जे वो लग एकदम गरीब हो के घर द्वार बनवा में आए आवास देते कुत ना ना करथव तो अमन के बिना उठू का हथकड़ा कहीं। बीजेपी का सरकार है तो कैसा जिंदगी चल रहा है? ठीक है, बेकार चलत। किस तरह की तबाही है, मतलब महंगाई से परेशान है, किस चीज से परेशान है? हर एक चीज के महंगाई है। परिवार में किसी को नौकरी मिली है? परिवार में के नौकरी, हमने विकलांग है, हमने कुछ मिलता ना तो नौकरी कहाँ से मिली? सरकार का जो अब तक का काम रहा है क्या लग रहा है, गरीबी दूर हुई है, महंगाई कम हुई है, जीवन में कुछ सुधार आया है? आई तो चरम सीमा पर बाब, गरीब आदमी के 5 किलो बांट के गरीब वही में भुलाल बाट। सरकार से कुछ शिकायतें भी हैं महंगाई को लेके, मगर वोट भाजपा को रहेगा। हाँ, इस बार अभी चुनाव आ रहा है प्रधानमंत्री वाला, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, मोदी का नाम सुनिए ना। हाँ, अब ऐसे तो नहीं बता पाए कि कौन है मोदी, लेकिन नाम सुनिए ना। हाँ, बाबू सुना रहे तो सुनते वाले। हाँ, वोट देती रही आप लोग, किस पे देती हैं, हाथी निशान पे कि कमल पे? हाँ, कमल पे। इस बार भी उसी पे देंगी? अब देखा दे कहाँ जात बा, जैसे गांव के लोग जैसे जो बात करते हैं उस हिसाब से आप लोग तय करती हैं कि क्या रहे? अब का बिना कहले खाए के दियो, चला भैया जब आई बेला तो देखल जाए। सरकार से कुछ कहेंगी कि कोई सरकार बने तो आपके लिए क्या करे, कुछ कहेंगी? कुछ ना कहला। आप क्या कहेंगे कि कोई सरकार बने तो आपको क्या चाहिए उससे, आपको अपना बताइए। घर चाहिए, अपना जिए खाए के चाहिए।